आने वाले समय में जो है कि रिपुटेशन बना के रखियो ना ताकि और हमेशा तुम ये बोलते हो कि ये खत्म हो गया वो खत्म नहीं ये सब अच्छी बात नहीं। तो गाइस ये देखो ना, ये है यहाँ की खूबसूरती, बहुत ही अच्छा नजारा है, एकदम लग रहा है कि पार्क जैसा है, हरा हरा आप लोगों को दिखा होगा। ये सामने जो है नदी है, ये सामने एक साहिबी नदी है, इसको मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है लोकेशन। तो और अभी हम जो निकलने वाले हैं यहाँ पे और दिखाने वाले हैं इस नदी को, पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस चलो अभी दिखाते हैं पूरे। हे गाइज, कैसे आप लोग? आई होप गाइज आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए वीडियो के साथ। गाइज आज अपना 30 डे का तीसरा दिन है और अपनी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों का वेलकम करता हूँ इस वीडियो में, और इस वीडियो में ना बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कुछ मज़ा आने वाला है। अभी मैं चलूंगा और कल जो बंदे से मिलवा था आज उसी बंदे से फिर मिलवाऊंगा, बट आप लोगों को थोड़ी सी कुछ और इन्फॉर्मेशन और जानकारी और भी कुछ नई जगह दिखाने वाला हूँ। और दिखाने से पहले मैं गाइज बता दूँ कि मैं अभी हूँ बादली झज्जर हरियाणा में, और हरियाणा में आज मेरा लगभग 1.5 महीना हो चुका मुझे, और मैं जो है अपना 30 डे ब्लॉगिंग चैलेंज ले चुका हूँ। चलो अभी आपको दिखाते हैं, सामने एक हमारी नदी है क्योंकि हमारे प्लांट के जस्ट सामने नदी एक है, तो अभी हम उस नदी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, पूरा दिखाने वाले हैं कि इस नदी में क्या है, कैसा है और ये कैसी नदी है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये सामने जो है नदी है, ये सामने एक साहिबी नदी है, इसको मैंने गूगल पे सर्च किया था तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा हो सकता है लोकेशन, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। और मैं निकल पड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी 2:15 से 20 मिनट बाकी हैं और मैं 20 मिनट में सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं प्लांट पे चलूंगा और आप लोगों को मिलाऊंगा अल्ताफ से। अल्ताफ कल जो है, कल आज की वीडियो में आप लोग देखोगे कि अल्ताफ कितना अच्छा जो है बातें करता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा, बहुत ही मज़ेदार बंदा है। तो चलो अभी हम दिखाते हैं गाइज़। और उसके पहले मैं देखो, अभी इधर आप चारों तरफ देखोगे ना तो गेहूं के खेत ही लगे हुए हैं, 2-3 किलोमीटर के रेंज में सारे जगह गेहूं ही गेहूं है। और धूप भी हल्की हो चुकी है, अभी धूप इधर से आ रही है, ये देखो धूप, तो अभी अभी जस्ट धूप जो है नीचे उतरी ही है और बहुत ही मज़ेदार धूप हो रही है। और अभी हम जो निकलने वाले हैं यहाँ पे और दिखाने वाले हैं इस नदी को, पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो गाइस चलो अभी दिखाते हैं पूरे वीडियो में, आप लोग बने रहना गाइस। आप लोगों को ये नदी दिखाने वाले हैं, ये जो है बादली हरियाणा झज्जर में, एक बार दोबारा फिर से लोकेशन बता दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी खूबसूरती देखोगे ना अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, पहले इस पर चढ़ता हूँ उसके बाद दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो ना, ये है यहाँ की खूबसूरती, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, एकदम लग रहा है कि पार्क जैसा है, हरा हरा आप लोगों को 2-3-4 किलोमीटर में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। एक आगे जो है एक हाईवे है, वो जो आ रहा है ऐसे ऐसे आते आते ते इधर जाके मिल जाता है। और यहाँ पे देखो गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, और हो सकता है कि कोई मुझे जानने वाला मिल जाए, जानने वाला मिलेगा तो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव कर सकता है, अदरवाइज़ सब कुछ ठीक ही है। यहाँ पे देखो ये नदी दिख रही है, और ये अपना जो है TBT प्लांट है रिलायंस वाला। तो अभी चलेंगे और निकलेंगे, अभी आप लोग को दिखाएंगे, यहाँ छोटे छोटे हरे हरे पौधे हैं और सारे जो है ना गेहूं के खेत हैं। ये आप सब देखोगे ना, ये सारे गेहूं के ही खेत हैं, अदर और कुछ नहीं है, तो सारे गेहूं के खेत हैं। तो नदी पे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे ना, मैं वीडियो बना रहा था, वो सोच रहे थे कि कोई साहब वगैरह तो नहीं है जो ऐसे वो करने आते हैं, निरीक्षण वगैरह करने आते हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई जो है कोई दिक्कत आ जाए। मैं ट्राईपोर्ट भी ले आया था बट ट्राईपोर्ट पे अपनी वीडियो अच्छी ना बन पा रही है, और चलो भी चलते हैं। तो गाइस फिलहाल हम नदी देख के निकल चुके हैं, और नदी बहुत खास नहीं थी, एक जैसे हमारे यहाँ नहर वगैरह होती है वैसी नदी थी, और हम जो है इसको देख के निकल चुके हैं बिल्कुल अपनी साइड की तरफ। साइड पे चलते हैं, साइड पे दिखाते हैं कि क्या काम चल रहा है, और आप लोगों को कुछ नए नए लोगों से मिलाते हैं, कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं, ट्राई करेंगे कि इस 30 डे में कुछ ऐसा एक्सप्लोर करें जो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नया दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल बहुत ही अच्छा दिखाने वाले हैं। तो चलो अभी निकलते हैं अपने साइड की तरफ और जल्दी जल्दी चल लें, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट से मुझे पहुँच जाना है, जबकि 7-8 मिनट लगने वाले हैं, बट 2-3 मिनट जो भी है वो मैनेज कर लेंगे। और गाइस ये जो दिख रहा है ये अपना प्लांट है, रिलायंस का TBT प्लांट है। तो चलो अभी पहुंचते हैं साइट पे और दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सामने जो है ना एक सर खड़े हैं, अगर वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि कहाँ पे घूम रहा है,
तो चलो फिलहाल टहलते घूमते हैं और देखते हैं। अभी देखो पैदल चल रहे हैं, सेफ्टी शूज पहने। तो गाइस फाइनली हम जो है प्लांट पे पहुंचने वाले हैं, और ये मेरे मुंह में जो दिख रहा होगा ना, ये बेर के फल हैं। तो बेर के फल मुझे थोड़ा से अच्छे भी लगते हैं, इसलिए मैंने खा लिया, एक ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया हूँ। और ये देख सकते हो ये पूरा प्लांट है। तो प्लांट पे पहुंचने वाले हैं, चलो प्लांट पे पहुंच के फिर दिखाते हैं। वीडियो एडिटिंग करनी है और अपलोड पे भी लगानी है, काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो चलो गाइज, अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं काफ़ी देर से परेशान हूँ वीडियो अपलोडिंग पे लगाने के लिए, और वीडियो अपलोड पे भी लगा दिए, लेकिन क्या हो गया ना कि नेट की स्पीड बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। 200 150 100 के भी 50 के भी की स्पीड मिल रही है, क्योंकि हमें वीडियो अपलोड के लिए कम से कम 2-3 MB स्पीड चाहिए होती है, जो कि आज पॉसिबल नहीं है। हमें लगता है वीडियो थोड़ा सा लेट हो जानी है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना और थोड़ा सा सपोर्ट करो, और कुछ अच्छा करेंगे, थोड़ा सा अलग करेंगे। और अभी जो देखो ट्राई कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड हो जाए और टाइम से आप लोगों को वीडियो मिल जाए। तो चलो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, ट्राई करते हैं कि वीडियो अपलोड हो जाए। दोस्तों ना दोनों लोग देखो है 26 जनवरी को तुम जो बोलोगे हम खिलाएंगे, तो बस अभी खाना देख, पूरी तो खाया है कि नहीं, ईमान से बोलना, वही बात है बस। रेपुटेशन बना के रखना, देखो आने वाले समय में जो है कि रेपुटेशन बना के रखियो ना, ताकि हमेशा तुम ये बोलते हो कि ये खत्म हो गया वो खत्म, नहीं ये सब अच्छी बात नहीं है, ये हम नहीं, देखो बाहर में थोड़ा मोड़ा वही सब होता है। हमारी बात भी सुन लीजिए, अगर हम कर रहे हैं इतना कि हम बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा बनाओ, ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा बनाओ तो बोल रहे हैं कम बनाओ, जो उस समय जो सर बताए थे चटपटे, बस थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ता। देखिए बाहर में रहना है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जानते हैं थोड़ा सा बहुत घर से दूर आ गया है, इसलिए चलो बैंगलोर रहा है लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो सब अपने थे इसीलिए, तो वो पर अपने में होता है, लेकिन चलो खाना खाओ, खाना में आए हो थोड़ा से जख्म देते हो, कहते हो सीते रहो। गाइस रात के बज चुके हैं 10 और मैं आ चुका हूँ अपने गेस्ट हाउस पे, और गेस्ट हाउस का नज़ारा कुछ देखो इस तरीके से, पहले मैंने वीडियो में दिखाया है, और अभी हल्की सी आग देखो जल रही है, हल्का सा धुआं वगैरह उठ रहा होगा, और अपनी ये बैगनार खड़ी है, और ये देख सकते हो पूरा है, तो काफ़ी अच्छा जो है गेस्ट हाउस जैसा लगता है, काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो अभी हम आ गए थे, खाना पीना हो गया, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी उसको सॉर्ट आउट किया, और सॉर्ट आउट करके अभी भी जस्ट जो है चीज़ें थोड़ा सा हैंडल हुई हैं, बट बहुत ही ज़्यादा हैंडल नहीं हो पाई हैं। और अभी हमारा जो है सोने का टाइम होने वाला है, और बहुत ज़्यादा खास मैं आप लोगों को आज दिखा नहीं पाया, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा बहुत ही अच्छी नहीं थी, काम भी बहुत ज़्यादा था, खाना पीना सारी चीज़ें जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। और थोड़ा सा अभी नया नया स्टार्ट किया हूँ, नया नया क्या कहा गाइस, अभी मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट यहाँ के लिए मेरा नया है, तो चीज़ें थोड़ा सा नई हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करो, थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी होंगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस जर्नी में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और आप लाइक करोगे और शेयर करोगे। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।